तुर्कश फैब्रिक है ये कपड़ा ही खाली मेरे ख्याल से 1000-1200 रुपए गज वाला कपड़ा है। सुपर ग्लॉस है, मतलब सबसे हाई क्वालिटी जो होती है अलनूर वालों की, ठीक है। ये उसके अंदर बना हुआ है। ये देखिए कि क्रॉस सेक्शन में हम ये क्या चीज लगा रहे हैं, ये चिपबुड वाला माल नहीं है, ये लासानी के अंदर है। ये इसका हाई ग्लॉस, ये देखें, ये इसी का पीस है जो हमने काट के इसके रखा था, क्या आपके व्यूअर्स को पता हो कि हम अंदर क्या लगा। बेड भी हमारा इसी के थ्रू नजर आना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे आपको सारा वन पीस नजर आएगा, ये नहीं होगा कि कट लगा हुआ है या जोड़ रहा है, ये कट लगा हुआ, ये वन पीस हम बनाते हैं। कि अगर कोई आपके चैनल को लाइक करता है, सब्सक्राइब करता है और उसका स्क्रीनशॉट हमें भेजता है, तो फिर हम उसको 20,000 रुपीज का डिस्काउंट एडिशनल देंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? मेरा नाम है अली रज़ा और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रज़ा का कराची। तो व्यूवर्स, आज माशाल्लाह से अगेन विजिट किया है एमएम फर्नीचर का। इनकी मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, लोगों ने बहुत पसंद की, काफ़ी लोगों ने डिज़ाइन भी बहुत पसंद किया। माशाल्लाह से खावर भाई ने वो डिज़ाइन जो है तैयार किया था, तो आज की वीडियो में एक और इनका जो है नया डिज़ाइन दिखाने लगे हैं, जो कि एक बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल जो है डिज़ाइन है। तो बात करेंगे दोबारा एमएम फर्नीचर के ऑनर खावर भाई से। अस्सलाम वालेकुम खावर भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं खावर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से पिछली वीडियो बनाई, डिज़ाइन यूनिक हटके डिज़ाइन था जो लोगों ने पसंद किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसी मयार का या उससे ऊपर का आज कौन सा डिज़ाइन दिखा रहे हैं? ये वाला उससे ऊपर क्वालिटी है, उससे ऊपर ये दरअसल ये लासानी के अंदर बना हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर लेमिनेशन यूज हुआ हुआ है, ठीक और हो इसके गया। अंदर जो फैब्रिक यूज हुआ वो तुर्किश फैब्रिक और मास्टर मल्टी फोम का सारा फोम इसके अंदर पैटर्न में यूज हुआ, यानी कि इसको तुर्किश ब्राइडल फर्नीचर कह सकते हैं। जी जी कह सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक हो गया। आइए मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा ये देखिए, ये हमने पूरा बेड बनाया हुआ है, इसे कहते हैं क्राउन स्टाइल, क्राउन स्टाइल, बिल्कुल। ये थोड़ा सा साइड से इसके एजेस बार होते हैं, ये सारा, ये भी सारा फोम के अंदर पैडिंग हुआ हुआ है, ये भी फोम के अंदर सारा पैडिंग हुआ हुआ है। ये कंप्लीट बेड जो है ये कपड़े और फोम के अंदर बना हुआ होता है, ठीक है। अच्छा ये तुर्किश फैब्रिक है, ये कपड़ा ही खाली मेरे ख्याल से 1000-1200 रुपए गज वाला कपड़ा है। अच्छा ये उस मियार का कपड़ा लगा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर आप देखेंगे थोड़े शेड्स वगैरह डिफरेंट इसमें नजर आ रहे होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। ये छोटे पल्ले के अंदर भी हमने सारा फोम का काम किया हुआ है और मास्टर मल्टी फोम का ही काम हुआ हुआ है। अच्छा अक्सर जो है बेड में ये देखा जाता है कि फ्रंट पे जो है वो बिल्कुल प्लेन होता है, जी जी। आपने जो चेंजिंग की है वो ये की है कि यहाँ पे फ्रंट पे भी आपने तुर्किश जी जी जो है फैब्रिक लगाई है। और दूसरी अगर आप एक चीज देखें तो ये सिर्फ सीधा नहीं, और यहाँ के ये यू शेप की तरह बन रहा है, अच्छा, वहां से भी अंदर आ रहा है, यहाँ से भी अंदर आ रहा है। अच्छा अच्छा, ये क्राउन स्टाइल होते इसी तरह के, अगर आप बाहर के मुल्क में जितने भी डिजाइन देखेंगे जी वो इसी तरीके से बनते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पे वो कॉस्ट सेविंग करने के लिए यहाँ से काट देते हैं, ये सीधा कर देते हैं ताकि पैसे बच जाए, मेहनत कम करनी पड़े, फोम कम लगे। अब आप देखें जो आपकी पट्टियां वहां पर लगी हुई है और जहाँ पर जो हमारी पट्टियां लगी हुई है जी जी साइड, ये सारे फोम पैडिंग के अंदर काम किया हुआ है, ये भी सारा फोम का पैडिंग का काम हुआ हुआ है, जबरदस्त। यानी कि इन फ्यूचर आप भूल जाएंगे अगर ऐसे टकरा रहे तो आपको कोई चोट लगे, कोई चोट लगे, बिल्कुल जबरदस्त। दूसरी चीज ये कि अब इसके अंदर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो सारा हमारा जो होता है 1.5x3.5 का गज होता है, ठीक है, यानी कि अच्छा स्ट्रॉन्ग मोटा गज है। और इसके अंदर जो शीट अंदर डाली हुई हमने लेमिनेशन की शीट डाली हुई होती है, जो हमारे मॉइस्चर के लिहाज से, कराची के लिहाज से बहुत पायदार रहती है। और शीट कितनी थिकनेस होती है? 0.75 इंचेस या पौना भी कहते हैं, पौने की शीट, पौने की शीट, पौने की शीट जो है अक्सर लोग कहते हैं। अच्छा अब आइए हम आपको ना थोड़ा साइड टेबल दिखाते हैं और शीट दिखाते हैं किस तरह की है। अब ये देखिए ये पूरा साइड टेबल, ये थोड़ा सा ना लंबा ज्यादा है, इसकी हाइट थोड़ी कम है, ये तभी खूबसूरत लगता है, ये स्क्वायर नहीं, थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप के अंदर है। दूसरी चीज इसके अंदर जो फ्रंट है पूरा ये हाई ग्लॉस के अंदर बना हुआ है, हाई ग्लॉस, हाई ग्लॉस, ये हाई ग्लॉस भी नहीं बल्कि सुपर ग्लॉस है, मतलब ये सबसे हाई क्वालिटी जो होती है अलनूर वालों की, ठीक है, ये उसके अंदर बना हुआ है। अब इसके अंदर का जो है दराज देखिए, ये किस तरी से पूरे डेप्थ के अंदर बना हुआ है। हमारे यहाँ दराज, अक्सर लोग क्या दराज खोलेंगे, खोलते ही खत्म हो जाती है जी जी। तो हमारे यहाँ दराज के अंदर ये क्वालिटी है कि अंदर सामान रखने की भरपूर जगह और क्वालिटी वाला माल भी ज्यादा है, डेप्थ भी ज्यादा होती है और इसकी क्वालिटी भी हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी बनाए, जबरदस्त। बाकी इसकी हैंडल्स जो लगे हुए हैं वो भी, अब ये देखिए कि ये यहाँ पर आके रुकती है, फिर इसके अंदर लॉकिंग सिस्टम है, इसको पूरा लॉक करना पड़ता है ताकि दराज पूरी अंदर रहकर पूरी लॉक हो जाए। अच्छा तो ये लॉकिंग सिस्टम अच्छी चैनल में यही सारी पहचाने होती ठीक है, चैनल तो बहुत सारी होती है, जबरदस्त। अच्छा दूसरी ये कि इसके अंदर ये जो आप ब्लैक हैंडल्स देख रहे हैं मैट लुक के अंदर जी, इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे इसलिए हमने ये लगाया और ये क्वालिटी में बड़े अच्छे और पायदार हैंडल्स है। आइए हम आपको ड्रेसिंग की तरफ लेके चलते हैं कि ड्रेसिंग हमने किस तरह की इसके अंदर डिजाइन की हुई है। अच्छा इसका आप ऊपर आरसी का हिस्सा देखेंगे, ये पूरा का पूरा हाई ग्लॉस के अंदर बना हुआ है, हाई ग्लॉस, और इसके अंदर जो निचला है वो भी हमने फ्रंट हाई ग्लॉस, ये बड़ा कॉम्बिनेशन हमने व्हाइट और ग्रे का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, और इसके अंदर ये जो व्हाइट टॉप है ये लेमिनेशन के अंदर दिया हुआ है, और जो ये वाला हिस्सा है सारा ये हाई ग्लॉस के अंदर सारा आ रहा है हमारा, जबरदस्त, ठीक है। और इसके अंदर ये, अब जरा यहाँ पर मैं चाहूंगा आपके कैमरामैन को थोड़ा फोकस करें,
ये जगहों पे लोगों के बड़े ऐब आ रहे होते हैं। हमारे यहाँ पे देखिए बड़ा खूबसूरती से इसके ना डिजाइनिंग ऐड की डिजाइन हुई है, वगैरह तो बिल्कुल। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो खूबसूरती को बढ़ाती हैं और खूबसूरती को घटाती हैं। जबरदस्त तो हमारे यहाँ ये माशाल्लाह एक्सपीरियंस ही है जो ये सारी चीजें हम करते रहते हैं, जिससे हमें आइडिया होता रहता है क्या चीजें करनी है। अब आइए ड्रेसिंग के दराजों की तरफ, ये किस तरह खुशादा दराजे हैं। इसके अंदर डेप भी अच्छी है, लेंथ भी अच्छी है, और अंदर से फिनिशिंग देखें काम की किस फिनिशिंग तरीके की माशाल्लाह है। फिर बहुत प्यारी है, प्लस हमने यहाँ पर क्लिप्स वगैरह भी ऐड किए हुए हैं, ये देखिए, ताकि जबरदस्त कल को इन फ्यूचर ये खुलने का चांस जो है वो भी खत्म हो जाए, खत्म हो वो जाएगा। बिल्कुल ही हम श्योर हो जाए कि नहीं हमारे बेडरूम को इंशाल्लाह कुछ नहीं होने वाला। बाकी इसके अंदर अब ये पीस जो मैंने यहाँ रखा हुआ है, जी, इसके ये बारे में इसलिए रखा हुआ है यहाँ पर हमने, ये देखिए कि क्रॉस सेक्शन में हम ये क्या चीज लगा रहे हैं। ये चिपबोर्ड वाला माल नहीं है, ये लासानी के अंदर है, ये इसका हाई ग्लॉस, ये देखें ये इसी का पीस है जो हमने काट के इसके रखा, ताकि आपके व्यूअर्स को पता हो कि हम अंदर क्या लगा रहे और हैं। शाइनिंग भी है इस जी शीट जी में, शाइनिंग, और ये कंपनी कहती है कि स्क्रैच प्रूफ है, पर स्क्रैच प्रूफ है, मुझे जितना मालूम है, हाँ छोटे मोटे स्क्रैच नहीं लेगा, मगर बड़े स्क्रैच बड़े स्क्रैच आ आ सकते हैं। जाएंगे, कंपनी का दावा है। मगर मेरे हिसाब से जितनी भी चमकती सी चीज़ होती है, हालांकि मर्सिडीज जैसी गाड़ियों के पेंट होते हैं, स्क्रैचेज उस पर आ जाते हैं, तो फिर इस पर भी आ सकते हैं। अच्छा खावर भाई, ड्रेसिंग का साइज क्या है? ड्रेसिंग का जो हमारा साइज है, ये 4 फिट का साइज है, 4 फिट का चार साइज है, फिट का साइज है और 6.5 फिट हाइट होती है, साढ़े मतलब छः इससे बड़ी ड्रेसिंग हमारे कमरों में आ नहीं सकती। हाँ जी अगर अगर कस्टमर चाहे बढ़ जाएंगे तो पैसों का जो फर्क होगा उन्हें बता ठीक देंगे, है। तो बड़ी करके बनाई जा सकती है। और व्यूवर्स, इस ड्रेसिंग में जो है आपको 6 ड्रॉ मिल रही हैं, देख लें, 6 की 6 ड्रॉ जो हैं सेम साइज़ की हैं। माशाल्लाह से डेप भी ज़्यादा है, और जो है आप देख सकते हैं ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन में। तो ये पूरी जो है ड्रेसिंग टेबल जो है तैयार है, ज़बरदस्ती। खबर भाई अब ज़रा अलमारी की तरफ आ जी जाएं। जी मैं आपको अलमारी समझाता हूँ। अब देखिए मैं शीट के बारे में डिटेल में अलमारी में समझाता हूँ, कि इधर जो खूबसूरती समझ आएगी, क्योंकि जी, एक बड़ा पीस है उसमें सारे इसके जो है ना वो खूबसूरतियाँ बाहर निखर के आएंगी। अच्छा, ये जो आप देख रहे हो, ये ऐसा टेक्सचर होता है, सिर्फ लावा जब जाके सूखता है उसका जो टेक्सचर बनता है, इसके शीट का नाम ही मोल्टन लावा है। अच्छा ठीक मोल्टन है, लावा, वो केक भी होता है मोल्टन लावा, पर एक इसके अंदर एक शीट वो के अंदर अख्तर लावा भी है जी सॉरी। अच्छा, इसके अंदर क्या चीज़ है कि ये हाई ग्लॉस सुपर ग्लॉस के अंदर बना हुआ है। ठीक है, इससे महंगी शीट कराची में मौजूद ही नहीं है। नहीं है इससे जो भी है शीटें कम होती हैं, इससे ऊपर की शीट हमारे यहाँ मौजूद नहीं है। तो ठीक है। ये इसकी खूबसूरती, इसकी फिनिशिंग, इसके अंदर का क्रॉस सेक्शन मैंने आपको दिखा दिया, तो ये ठीक ठाक पाया जाता है। अच्छा लोग इसको किचन वगैरह में यूज़ कर रहे होते हैं जब पानी का काम होता है, हमने अच्छा इधर फर्नीचर के अंदर इसको यूज़ कर रहे और हैं। भाई मैं यहाँ से खड़ा होकर देख रहा हूँ कि शीट के अंदर आपकी रिफ्लेक्शन आ रही है। जी, ऐसे ही है। अगर मैं यहाँ से देखूँ आप मुझे नज़र आ रहे हैं, मुझे नहीं जी, पता कि हमारे कैमरामैन देख पा रहे हैं कि रिफ्लेक्शन आ रही है नहीं आ रही है अगर हमारी। कैमरामैन साइड से दिखाएं तो देखें आपको रिफ्लेक्शन नज़र आ रही जी है। जी पूरा मेरे यहाँ तक कि यही पूरा बेड नज़र आएगा, अगर आप वहाँ सामने खड़े होकर देखेंगे तो पूरा बेड भी हमारा इसी के थ्रू नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल बिल्कुल ये इतनी हाई ग्लॉस शीट है, मिरर जैसा इफेक्ट होता है। ठीक है, बाकी जबरदस्त आइए मैं आपको अंदर का दिखाते हैं कि जी अंदर हम बिल्कुल। किस तरह का बनाते हैं, ये देखिए। लॉक के बारे में सबसे पहले जो है आप भी डिफाइन करें। जी, हमारे यहाँ लॉक जो होते हैं सबसे अच्छी क्वालिटी के लॉक यूज़ किए जाते हैं, कि इसके अंदर किसी किस्म की कस्टमर को कोई कंप्लेन ना आए। ठीक है सेकंड, हिंजेस वगैरह अगर आप देखेंगे तो ये हम हिंजेस का काम करते हैं, ठीक है, कब्जे बोले, कब्जे कब्जे बोलते हैं भी जिसको नॉर्मली हम, हाँ इसको उर्दू में कब्जे बोलते हैं, इंग्लिश में हिंजेस बोलते ठीक हैं। है तो ये जो कब्जे हैं ये किचन कब्जे कहलाते हैं, ठीक है। और ये इस डिज़ाइन के अंदर लगाने की मजबूरी होती है कि इसके अंदर अगर इस तरह का लुक देना, जहाँ गैप नजर ना आ रहा हो, तो फिर हमें ये लगाने पड़ते हैं। ठीक ठीक है, है, तो कुछ टेक्नोलिटीज होती हैं जिसकी वजह से। अच्छा, ये जो हमने बनाया हुआ है थोड़ा सा कस्टम स्टाइल बनाया हुआ है, कि जो हमारे कस्टमर थे उनके लिए हमने डिज़ाइन किया है, कि यहाँ पर जो है हैंगर भी है, या आप देख रहे होंगे शेल्व भी है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, दरअसल ये ऐसी शेल्स है जो बाद में आप आसानी से रिमूव फोल्डिंग करके रख सकते हैं। ये शेल्फ है, फोल्डिंग शेल्स हैं, ये वाली भी जबरदस्त और ये वाली भी, ये दोनों हटा के आप नीचे बैठ के नीचे इस शीट के ऊपर रख दें, ताकि सही, ये आप हैंगर के तौर पर हैंगिंग कर इस्तेमाल कर लें लें। कपड़े वगैरह। बाद में अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे हैंगर की जरूरत नहीं है, तो आप दोबारा फोल्डिंग इसको इस्तेमाल कर लें। अच्छा हैंगर जो है आपने वो स्टील का दिया हुआ है, जी, स्टेनलेस स्टील का पाइप है। अब ये देखें, अगर ये निकाल सकूं मैं, फिर इसमें नहीं निकलना, मैं दूसरे में आपको दिखा देता ठीक हूँ। है। इसमें अच्छी खासी स्ट्रेंथ है कि अगर ये पूरा भर जाए भर जाए और तो वो जो कपड़ों का तब वेट भी, होता है हाँ ना, तब तो भी नहीं कभी टूटेगा, झोल नहीं करेगा। कभी भी झोल नहीं आएगा, ठीक कभी भी है टूटेगा नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़, अब ये देखिए हमारे यहाँ चैनल के अंदर की गहराइयाँ, कि किस तरह की क्वालिटी के चैनल अंदर, यहाँ लोग दूसरी किस्म की चैनल्स लगाते हैं या सादा दराज लगा देते हैं, हमने यहाँ भी जो बेरिंग वाला चैनल, जैसे उर्दू में गोली वाला चैनल गोली ये चैनल बोलते हैं, कहलाते हैं तो बिल्कुल। वो वाला लगा हुआ है सारा। और लॉक्स की क्वालिटी, मैं चाहूँगा इसकी चाबियों को ज़रा हाथ में लेके देखें किस ये तरह की देखें क्वालिटी व्यूवर्स, चाबी की है। अच्छा और चाबियों का वेट भी है,
ये जी क्वालिटी है ना इसके अंदर, क्वालिटी है, वेट भी वो है, छिलके बिल्कुल वाली चाबियां नहीं है, अच्छी वाली चाबियां है ठीक सारी है। है, तो जबरदस्त अभी छोटी छोटी चीजें करके क्वालिटी बनती है चीजों की, ठीक है। अच्छा बाकी इसके अलावा बीच वाला सेक्शन जो है वो हमारा शेल्स वाला है, कंप्लीट शेल्स होंगे इसके अंदर, ठीक है। ठीक है, फोन बाकी बॉक्सेस कोई हैं, कोई फोन है चाहे तो लॉकर ऐड करवाना, वो हम लॉकर ऐड कर देंगे उसके ठीक अंदर, है। हाँ कस्टमाइजेशन में वो हमें लिखवा सकते हैं चीजें ऑर्डर देते हुए। बाकी यहाँ पर भी हमने हैंगर वाला हिस्सा रखा हुआ है, ठीक है। जबरदस्त हो गया, अब ये आपके सामने फिनिशिंग अंदर से भी आ गई, बाहर से भी आ यानी गई कि एक अलमारी में दो पोर्शन आपके हैंगर हैं, जी, हैंगर के हैं, ठीक हैंगर है। के भी हैं और दोनों शेल्फ के भी हैं। दोनों अब शेल्फ के भी कस्टमर के हैं, ऊपर से उसको किस तरह किस यूटिलाइज तरह करना है। यूटिलाइज करें, दूसरी चीज, जबरदस्त ये जो आप इसका टॉप देखेंगे हमारे जी टॉप। आपको सारा वन पीस नजर आएगा, ये नहीं होगा कि कट लगा हुआ है या जोड़ रहा अच्छा है, ये कट लगा हुआ है, ये वन पीस हम बनाते हैं ताकि ओके, हमारी खूबसूरती फिनिशिंग क्लाइंट के यहाँ भरपूर नजर आए। तो खबर पे ये 3 पीसेस में डोर जो है अलग जी अलग हाँ है। है, 3 पीसेस में, अच्छा, ये ऊपर वाला टॉप अलग हो ये जाएगा, टॉप अलग हो जाता है, ये अच्छा ये टॉप अलग होगा, सही, ये डब्बा अलग हो जाएगा, ये डब्बा अलग, ये डब्बा अलग हो जाएगा, जबरदस्त, वरना अच्छा तो इस तरह सीढ़ियों में चढ़ना मुश्किल हो जाएगा ना, ये नहीं चल पाएगा, ठीक ठीक है, है। जबरदस्त अब आपको हम जो है ना पूरा इसकी प्राइसेस वगैरह बता दें कि ठीक है, ये पूरा इसके ना डिवाइडर है, डिवाइडर में समझा देता हूँ, हमारे समझा पास दें। जगह नहीं थी रखने की, तो ये डिवाइडर जो इतना ये होगा 4 फीट का डिवाइडर, इतना बड़ा, इसके अंदर कटिंग आ जाएगी ठीक है, और अंदर से उसी तरीके से सारे वो फ्रंट पे नजर, मिरर आएगा, जी, फ्रंट में मिरर आ जाता है, ठीक है, ग्लास लगता है, मिरर नहीं, ग्लास 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 आ बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल तो ये बिल्कुल कटिंग आ जाएगी यहाँ पर और इस तरीके से सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक हो गया बाकी ये है कि अब इसकी प्राइसेस आपसे डिस्क्लोज कर दें, जी। जी ये पूरा प्राइस 4 पीस जो आपको सेट है ये आपको पड़ रहा है 2,20,000 रुपये का, 2,20,000 दो का लाख बीस हजार रुपये का। पर इसके अंदर ये एक ऑफर देंगे कि अगर कोई आपके चैनल को लाइक करता है, सब्सक्राइब करता है और उसका स्क्रीनशॉट हमें भेजता है, तो फिर हम उसको 20,000 रुपीज़ का डिस्काउंट एडिशनल देंगे। ये उन लोगों के लिए है जो लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, जी ठीक जी ये उनके लिए है, बाकी है पहले हम ये करते थे रेंडमली दे रहे होते थे, अब हमने ये कहा कि जो हमें स्क्रीनशॉट देंगे तो उनको ही हम लोग पे डिस्काउंट देंगे। ठीक हो और गया। ये ऑफर जो है हम 2 महीने तक के लिए लगा रहे हैं, ये जो अपलोड डेट है उससे 2 महीने तक की जो डेट होगी इसके अंदर इंशाल्लाह हम आपको ये डिस्काउंट वैलिड रहेगा। अच्छा इसके अंदर जो अगर कोई 3 पीस लेना चाहेगा उसके अंदर 20,000 कम हो जाएंगे, ठीक है वो 2 लाख का होगा, और इस पर जो वही अगर वो सब्सक्राइब वाली वो जो पॉलिसी पूरी करता है तो उसको इंशाल्लाह 20,000 का डिस्काउंट 1,80,000, देके 1,80,000 का पड़ जाएगा, ठीक ठीक है हो गया ठीक। सर। तो व्यूवर्स माशाल्लाह से 2 लाख में आपको 4 पीस का सुपर ग्लॉस पे तैयार शुदा जो है पूरा ब्राइडल फर्नीचर, जो कि एक ज़बरदस्त सा जो है यूनिक डिज़ाइन है, जिसकी शीट्स अगर देखी जाए तो सुपर ग्लॉस हैं, जिसमें बिल्कुल शाइनिंग भी है, जो कि आपके रूम में अगर ये फर्नीचर रखा जाए तो रूम जो जो है चार चांद लगा दे। तो इंशाल्लाह माशाल्लाह से अगर आप वीडियो देख के ये सेट बुक कराना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ये पॉलिसी है कि आप ये चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीनशॉट लेकर आएँ। उसके बाद जो है ये ऑनर हैं पावर भाई MM फर्नीचर के, बाकी इनसे आप जो है डिस्कस कर लिएगा। तो इसी तरह जो है मजीद भी MM फर्नीचर्स की वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो पावर भाई सबसे पहले जो है आप जो है हमारे व्यूवर्स को अपना लोकेशन बता दें। बड़ा सिंपल सा है, आप अगर लियाकताबाद या लालू खेत फर्नीचर मार्केट का नाम सुनाओ तो उसके मेन रोड के ऊपर ही MM फर्नीचर के नाम से हमारा शोरूम है। ठीक है बाकी फिर भी किसी को समझ ना आ रहा हो तो एक नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, 0331-498-3100, बाकी मेरा भाई जो है वो स्क्रीन पे भी चला देंगे ठीक नंबर, है तो उस पर आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें, मैं आपको लोकेशन भेज दूंगा। और बाकी कोई और तफसीलात जाननी है, इसके कलर कॉम्बिनेशन चेंज करने हैं तो वो भी मैं आपको स्क्रीनशॉट्स भेज दूंगा कि अलग अलग कलर्स में किस किस तरह के शेड्स बन सकते हैं, तो इंशाल्लाह आप लोग रابطہ करें तो बाकी मैं आपको तो हावर जरूर भाई जैसे बता दूंगा। विजिट का टाइमिंग क्या है, जब कोई विजिट करना चाहे किस टाइम पर आए। अच्छा कोशिश ये कीजिए सारे व्यूअर्स के कांटेक्ट करके जो स्लॉट्स हैं उसके ऊपर आइए, क्योंकि होता ये कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स आते हैं बैठे पे इंतजार करते रहते हैं कि ऑलरेडी लोग आए हुए होते हैं, तो कोशिश ये किया करें कि टाइम सेट कर लें ताकि मैं उस वक्त डेडिकेटेडली आपको टाइम दूँ ताकि आप लोगों का भी टाइम सेव रहे और आपको वेट ना करना पड़े। ठीक हो थैंक यू गया सो मच।